हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कई महीनों से मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ उसकी या तो स्क्रिप्ट मेरे जहन में होती है, अगर स्क्रिप्ट नहीं होती तो एक रफ़ स्ट्रक्चर मेरे जहन में होता है कि ऐसे ऐसे एडिट करेंगे, ऐसे ऐसे शूट करेंगे और इस तरह वीडियो बन जाएगी। लेकिन इस वीडियो में मेरे पास दोनों नहीं है, ना स्क्रिप्ट ना स्ट्रक्चर। बस रैंडमली जो भी सामने हो रहा था वो शूट किया। आई डोंट नो वीडियो किस तरह की बनेगी, अभी मैं एडिट करना शुरू करूँगा। तो आई होप आई लाइक इट, आई होप यू लाइक इट। दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस रैंडम ट्रैवलॉग। ओके, तो पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। आई वॉज कमीशन्ड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड टू मेक अ वीडियो फॉर देम। तो ये वीडियो मेरे चैनल पे नहीं आएगी, ये उनके चैनल पे आएगी। और जब भी आएगी, मैं अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता, जब भी आएगी मैं फ़र्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। वो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके बिहाइंड द सीन्स मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ। तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ बिहाइंड द सीन्स, कुछ ऐसे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं और ये मेरा नया स्टूडियो है जिसके बारे में हम किसी और दिन तफसील से बात करेंगे। आज टाइम नहीं है, इतनी सुबह मैं इसलिए उठा हुआ हूँ क्योंकि मैं एक शूट पे जा रहा हूँ और शूट कराची में है नहीं। आज का हमारा दिन कराची से बाहर ही गुजरेगा, ऑलमोस्ट पूरा दिन। और ये भी मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है, मैंने आज से पहले कभी भी किसी शूट वाले दिन व्लॉग नहीं किया है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पैकिंग हमारी सारी हो गई है। Yeah, we only getting started, but you know I got to bang it. Yeah, we shooting for the stars, you know you got to aim it. Yeah, this goes out to the ones who doubt it. सारी तैयारी हो गई है, सारी पैकिंग हो गई है, हम जाने के लिए तैयार हैं। और बहुत अरसे बाद हमारे व्लॉग्स में एक कैरेक्टर का कमबैक हुआ है, बैक फ्रॉम द डेड एज दे से, मिस्टर बाबू। मेरा नाम बाबर अली है, मेरी उम्र 35 साल है और मैं कराची में जॉब करता हूँ। बाबू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबू को आपने याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन जीरो विजिबिलिटी है, 10-15 फुट की होगी मैक्स। कुछ पैच आता है जिसमें अच्छी हो जाती है, उसके बाद दोबारा ख़राब हो जाती है। तो डबल इंडिकेटर हमने चला दिए हैं और पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स हम सुनते हुए जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ पे 110 से 120 की स्पीड लिमिट है। वहाँ पे हमारी स्पीड अभी 40-50 के आसपास रेंग रही है। ज़रा चौकन्ना रह के आँखें खुली रख के चलानी पड़ेगी। मुझे नहीं बाबू, मैं तो कुमार सानू के गाने सुन रहा हूँ और वाइब्स का मज़ा ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हैदराबाद गया और काजी भाई थे मेरे साथ। काजी भाई ने सारी शूट प्लान की थी और वो शूट इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग थी कि मैं कुछ भी व्लॉग करना भूल गया। लेकिन ड्रोन शॉट मैंने लिए, बड़े अच्छे। देखें, आप चेक करें, मुझे बताइए अच्छे हैं ना, मुझे पता है। कराची कवर कर लिया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। हैदराबाद कवर हो गया और उसके बाद हमारी जो थर्ड डेस्टिनेशन थी वो थी मीरपुर खास। आज हम आए हैं मीरपुर खास और मीरपुर खास में हम एक स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे हमने शूट लाइनअप की हुई है। वहाँ पे बहुत सारी टीचर्स का इंटरव्यू करना है और कुछ लोगों का और भी इंटरव्यू करना है। वहीं लोकेशन अच्छी है तो हमने सोचा कि वहीं पर सबको बुला लें। तो मीरपुर खास में हमारा ये काम है, उसके बाद थोड़ा हम और आगे जाएंगे। ये हमारे साथ भी है फ्रेडी मर्करी और बाबू भी। गाइस, ये है मीरपुर खास का सैटेलाइट टाउन। पाकिस्तान की जो सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी स्पेस के लिए वो यहाँ से हुई थी। और यहाँ पे एक हेडक्वार्टर भी है जहाँ से पाकिस्तान एरोस्पेस के सारे काम होते हैं। सही बात।
सही बात है, सही कह रहा है। तुम्हें क्या पता। हाँ सही कह रहा है, पॉजिटिव इमेज ब्रो। ये स्कूल हम पहुंच गए हैं, द लिंग्स स्कूल सिस्टम। इन्होंने बहुत ही काइंडली हमें अपने स्कूल में शूट करने की इजाज़त दी है। कुछ सामान तो नहीं है? अभी सामान निकाल लेते हैं। सामान अभी निकालते। मैडम राबी अंदर? जी जी मैं लेके चल रहा हूँ। सेट है, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान कैमरे में बताए ना क्या हो रहा है। गाइस अभी हमारे इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं और हम सेटअप कर रहे हैं। ये कैमरा है, ये बी एंगल वाला कैमरा है। ये हमारे ये ट्राइपॉड्स हैं, इस पे लगेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप कराची में वो कराची रोल और बन कबाब और इस तरह की वीडियोस और कब बनाएंगे। बस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ी कीमती हैं, बहुत कीमती हैं सारी चीज़ें। इसको वापस कमाने में कोई एक डेढ़ साल लग जाएगा, इस वजह से हम रिस्क नहीं। वालेकुम सलाम। क्या फोटो को थोड़ा सही था? नहीं नहीं, फिट था। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, ये भी हमें इन्होंने लिंक्स सिस्टम ने दिया है, थैंक यू सो मच। अभी हम इंटरव्यूज करते जा रहे हैं कड़कती धूप में, मीरपुर खास के आउटस्कर्ट्स में हैं मौजूद। और ये देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी तक यहाँ पे बारिश का पानी खड़ा हुआ है। मीरपुर खास के बाद हम लोग गए मीरपुर खास से आगे थर। गाइस ये छोड़ छावनी है और छोड़ छावनी के शुरू में ये स्टैचू बना हुआ है। स्टैचू को अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपको एक बंदे की शक्ल याद आएगी। गौर से देखें, और से देखें, लुक वेरी क्लोजली। मतलब पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे वहाँ बाबू का गांव है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आ चुके हैं थर में, तो हम बहुत टाइम से हैं, लेकिन हम आ चुके हैं जाली चूना, ये ट्रेन स्टेशन का नाम है। और यहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी ये, इसके बाद यहाँ से आगे अपना कैमरा इक्विपमेंट और ट्राईपॉड वगैरह लेके हम ऐसे कोई कच्चे धागे स्टाइल गाड़ी में जाएंगे और डेजर्ट सफारी समझ लें आप बस। देख सकते हैं आप नाज़रीन, सीन्स हर जगह मौजूद हैं। मैंने ही बाबू को स्टिकर दिए थे कि आप पार्ट देना। दो बातें मैं आपको बताना भूल गया था, ये जगह इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ से फिर वो जैसलमेर और राजस्थान शुरू हो जाता है। और दूसरी बात यह कि हमारे साथ नेट फ्लैंडर्स भी हैं। Hey guys, what's up? We are in Thar right now. Welcome back to another. हम बाबू के गांव आ गए हैं तकरीबन कराची से 5.5-6 घंटे का सफ़र करके। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये बाबू का घर है और ये गाँव है बाबू का जिसका नाम है सिलारियो। ये जैसी जो मैंने आपको दिखाया उससे ये तकरीबन कोई 15-20 मिनट की ड्राइव है और 2 घंटे की वॉक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे इंटरव्यूज तकरीबन कंप्लीट हो गए, अभी हम यहाँ पे कुछ खाना खाएंगे, दाल चावल बना है शायद वो खाएंगे। चावल है, ये दाल है, ये बाजरे की रोटी है स्पेशल। खाना हमने खा लिया है, अब निकलने वाले हैं। तो निकलने से पहले मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है जो बाबू मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहा है करने को, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मेरा यहाँ पे आना भी नहीं हो रहा था, लेकिन आज मौका भी है और मुनासिबत भी है, तो आज मैं आपसे बात करता हूँ। ये पीछे आपको थोड़ा बहुत अगर नज़र आ रहा हो तो ये पूरा गाँव है, तकरीबन इसमें 100 से थोड़े से ज़्यादा घर हैं। इसके आसपास छोटे छोटे गाँव हैं जिसमें किसी में 50 घर हैं, 60 घर हैं, 70 घर हैं। तो ये पूरा अगर आप 1-2 किलोमीटर का रेडियस काउंट करें तो यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2.5 हज़ार लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर ही है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें बाबू के भी बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो अगर कोई भी एनजीओ यहाँ पे कोई स्कूल सेटअप करना चाहती है तो मुझसे रब्ता करें, या मुझसे रब्ता नहीं भी करें, मतलब सारी डिटेल तो मैंने शेयर कर दी, बट इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, पैसे भी जमा कर लूँगा दोस्तों से, क्राउड फंड कर लेंगे अगर दोस्तों से पूरे नहीं होते, यहाँ पे स्कूल खोल देंगे। स्कूल की बिल्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल काम है उसको मैनेज करना, टीचर्स वगैरह रोज़ाना के जो काम होते हैं। तो अगर कोई भी एनजीओ इसमें मेरे साथ कोलैबोरेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेरा ईमेल एड्रेस है irfanjuneja@yahoo.com, प्लीज़ गेट इन टच विद मी और यहाँ पे स्कूल खोल दें, क्योंकि दीज किड्स डिज़र्व एजुकेशन। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, चलें वो तो बात की बात है, हेल्थ फैसिलिटी
वो भी कभी बात कर लेंगे, लेकिन एजुकेशन आई थिंक यहाँ पे होनी चाहिए। तो इफ़ एनी एनजीओ वांट्स टू कोलैबोरेट विद मी ऑन दिस, ज़रूर कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल्स। ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आई जस्ट वांट टू लीव यू विद अ थॉट, और वो थॉट ये है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में उन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं जो मैं और आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र करें एंड जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट, एंड इफ़ यू कैन हेल्प इन एनी वे, जो भी मैंने वीडियो में बात की, तो डू गेट इन टच। बाय बाय। मैं बाबू के घर पहले कोई 3 से 4 दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी भी मेरे पास इस जगह पे आके ड्रोन नहीं होता था। आज पहली दफ़ा मेरे पास ड्रोन भी है, मतलब मैं ड्रोन लाता नहीं था, आज मेरे पास ड्रोन भी है, मैं ड्रोन लेके भी आया हूँ। तो लेट्स सी कि इरफान भाई, थोड़ा चीज़ी लगता है इरफान भाई ऊपर से कैसे आते हैं।